तो देखिए फ्रेंड्स, बटाटा भजिया हमारा कितना मस्त तैयार हो गया है। ये देखिए पूरी प्लेट भर के, और ये कितना मस्त है, एकदम फूला फूला, ये गैस भरी हुई है इसके अंदर। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बटाटा भजिया। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे 5 आलू लिया है, जिसे अच्छे से हमने छील लिया है। हमने लिया है चिप्स कटर और नीचे पानी रखा है, तो सावधानी से हम चिप्स काट लेंगे। देखिए नीचे हमने पानी रखा है, चिप्स हमारा तैयार हो रहा है, तो इसी तरह हम सभी तैयार कर लेंगे। भजी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन। तो देखिए फ्रेंड्स, चुटकी भर हम इसमें हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डालेंगे हम। सो फ्रेंड्स, इसमें बारीक कटी हुई हम धनिया डालेंगे, धनिया से टेस्ट और कलर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, पानी को हम थोड़ा थोड़ा ही मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे। तो इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे हम। तो ये देखिए, धनिया के वजह से इसमें बेसन में थोड़ा हरा कलर आता है, तो धनिया बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो रेस्ट करने से बहुत ही बेसन फ्लफी हो जाता है, खिल जाता है, तो इससे पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप रेस्ट पे ज़रूर रखें। ये चिप्स है फ्रेंड्स, इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी में से निकालेंगे, एक साथ हम नहीं निकालेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा बेसन सेट हो गया था, हमने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो चिप्स को इस तरह इसके अंदर डिप करेंगे बेसन में। बोल देख लीजिए कैसा है हमारा चिप्स, एकदम सोख ले रहा है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, एकदम चिपक जा रहा है। ऐसा हमारा घोल रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। तो एक एक हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तेल हमने यहाँ पे गरम लिया है, गरम तेल में ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे, इट मींस। तो एक एक इसके अंदर हम डाल देंगे, इस तरह डुबाएंगे बेसन में और डालते जाना है इसके अंदर। आलू के पकोड़े फ्रेंड्स, आलू के चिप्स किसको कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ मेरे आसपास के सब्सक्राइबर मेरे घर पे जरूर आए, खाना खाने के लिए, पकोड़े खाने के लिए, यानी मेरी रेसिपी ट्राई करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि आते भी रहते हैं। और देखिए कैसी शाइन आ रही है पकोड़ों में, फूलते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी जो खाने वाला सोडा रहता है। देखिए अपने आप ये फूलते जा रहे हैं। जब बेसन हमारा अच्छे से फ्रेंड्स तैयार रहेगा, तो पकोड़े हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे बेसन पे। तो ये देखिए एक एक हम पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे फूले फूले हमारे चिप्स बने हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि बेसन पे, बेसन हमारा अच्छे से बना रहेगा तब हमारे पकौड़े अच्छे बनेंगे। ये देखिए सभी पकौड़े हमारे अच्छे से फूल गए हैं। आलू यानी बटाटा वड़ा हमारा रेडी हो गया है, तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही मस्त बन गया है ये। मेरे घर में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए ये चमचमा रहा है, तो मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। इसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। लग रहा है ना टेम्पटिंग ये। इसी तरह हम सेकेंड बैच भी फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही मस्त लगता है। तो आप फ्रेंड्स, बटाटा भजिया आप एक बार ज़रूर बनाइए, यानी आलू के पकौड़ी जिसे कहते हैं हम, आलू के चिप्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड बैच फ्राई हो गया है, तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पहला बैच था वो खत्म हो गया है।
फ्रेंड्स हमने सोडा वगैरह नहीं डाला है,